एक बादशाह ते उहदा वजीर वेस बदल के शहर च गश्त कर रहे हैं। उन्हां डिठा के एक अन्ना फकीर है, वह फकीर आले पासे टुरे ते फकीर सदा कीती, अल्लाह दे नां ते कुछ दिओ। बादशाह उसनों एक अशरफी दिती। जिसले टुरन लगे ना ते अन्ने फकीर आख्या, गल ए मेरे मूँह दे उत्ते एक थप्पड़ मारो। बादशाह हैरान हो गया, उस आख्या अजीब गल है। बादशाह आख्या नहीं, मेरे को काम नहीं होंदा। उस आख्या नहीं, अगर तू मेरे मुँह ते थप्पड़ नहीं मारना तो वह तो अपनी अशरफी वापस लै, मैं तुहाडी खरायत लैंदा ही नहीं। जिसले उस जिद की, मजबूर हो के बादशाह ने उहदे मुँह ते एक थप्पड़ मारिया। तो जिसले टुरे ना थोड़ा जिहा अगां, तो उस वजीर नूं आख्या भी इहदे विच जरूर कोई राज है, जिहड़ा अन्ने आख्या भी मेरे मुँह ते थप्पड़ मार, लिहाजा तू वांझ और इसनों आख कल 4 बजे दरबार च हाजरी दे। वजीर आया, उस आके उस फकीर नूं आख्या, गल है भी जिस तैनू अशरफी दिती है ना, वह है वक्त दा बादशाह और उसका हुक्म है कि कल 4 बजे तू दरबार ते आवना। उस आख्या ठीक है जी, मैं हाजिर हो गई। तुर पे टुरद्या टुरद्या अगा के वे दिन एक बंदा उस घोड़ी नूं दरख्त नाल बद्धोया ते डांग लैके दे मार 4:30। बादशाह नूं बहुत गुस्सा आया, उस आख्या एक जानवर नाल एडा जुल्म, बन के घोड़ी नूं ते मरेंदा खला है। बादशाह वजीर नूं आख्या इहनूं आख 4 बजे दरबार च हाजरी दे। वजीर आया, उस आख्या गल ए भी बादशाह सलामत दा हुक्म है, कल 4 बजे तू हाजरी दे दरबार च। उस आख्या ठीक है। टुरद्या टुरद्या शहर तो बाहर निकले तो बड़ा आलीशान मकान, आलीशान महल। बादशाह पूछा भी ये महल पता कर, कहिंदा है। वजीर गया, उस पता किया भी महल कहिंदा है। उन्हें आख्या एक बहुत बड़ा ताजर है, उसका यह महल है। पहले गरीब आई लेकिन हुण बहुत बड़ा ताजर है। तो उसका वजीर पूछा गवाढ़िया नाल सलूक किवें, उस आख्या गवाढ़िया नाल अच्छा सलूक है और ईमानदार बंदा है। उस आके बादशाह दस्या, बादशाह हैरान हो गया। उस आख्या इनू भी पैगाम दे कल 4 बजे उत्थे पहुँचे, मैं वेखना चाहना भी इतनी जल्दी ये अमीर किवें बनया, ये दौलत आई कि दूँ। इस साल आ गए महल दे विच, खुफिया रस्ते तो महल दे विच दाखिल हो गए। दूजे दिन 4 बजे कचहरी लगी हुई, बादशाह अपने तख्त दे उत्ते बैठा, घोड़ी वाला भी मौजूद, अन्ना फकीर भी मौजूद, वो ताजर भी मौजूद। सब तो पहले बादशाह ने अन्ने फकीर को पूछा, पहले मैंने तू दस भी तू मैनू ये क्यों आख्या भी मेरे मुँह ते थप्पड़ मार। अन्ने आख्या बादशाह सलामत मेरी दास्तान बड़ी अजीब है। बादशाह आख्या सुना। अन्ने फकीर आख्या भी मेरा वालद मेरे वास्ते काफ़ी जायदाद छोड़ के गया तो मैं अयाशी दे विच खत्म कर दी, मेरे हालात खराब हो गए, गुरबत आ गई मेरे उत्ते। शहर दी एक बेवा ने मेरे नाल शादी की और उस मैनू कुछ पैसे दिते, मैं उन्हें पैसों के 2 ऊंट खरीद किए और लोगों का सामान ढोमना शुरू कर दिता। कुछ अरसे तो बाद मेरे हालात ठीक होने शुरू हो गए और मेरे 40 ऊंट हो गए। मैं लोगों का सामान ढोवा, एक दिन मैं किसी का सामान ढो के वापस आ रहा, पहाड़ी के नाल मैं के वेख्या एक दरवेश खला। उस दरवेश मैनू आख्या, गल ये बई इस पहाड़ी दे विच खजाना है, हीरे और जवाहरात हैं, ये तेरे सारे ओठ भरी वही सन। मैं लालच आ गया, मैं आख्या ओ मैनू खजाना चाहिए। दरवेश आख्या वो एक शर्त है, बिचू 20 ओठ मैनू दे सें। मैं आख्या मैनू तेरी ये शर्त मंजूर है। बस तुर पै इंज पहाड़ी के उत्ते चढ़द्या चढ़द्या अगर दरवेश ने कुछ पढ़ के फूका मारिया, एक दरवाज़ा नमूदार होया। वह दरवाज़ा खोलिया, असा उस दाखिल हो गए, साढ़े ओठ भी दाखिल हो गए। अगर जिसले गए वेख्या तो बड़ा खजाना, ढिग लगे पाए हीरे जवाहरात। मैं जल्दी के नाल उसनों अपने ऊठा तो लदना शुरू कर दिता। जिसले 40 ओठ साढ़े लदी गए तो असा टुर पे उस दरवाजे चु बाहर निकले, वह दरवाज़ा गायब हो गया। उत्थे आके मैं फकीर नूं आख्या भी ऐ 20 ओठ तेरे ते ऐ 20 ओठ मेरे। पर जिसले मैं 20 ओठ लैके टुरन लगा तो मेरे दिल च लालच आया, मैं वापस आया। मैं फकीर नूं आख्या भी तू फकीर बंदा है, दरवेश बंदा है, तू 20 ओठ के करने, तू इंज कर भी बिचू 10 ओठ मैनू दे। दरवेश आके ठीक लै ला, उसनों 10 ओठ दे दिते, तू इंज कर भी इथू 10 ओठ मैनू दे। दरवेश फकीर ने 10 ओठ मैनू दे दिते, मैं वो लैके टुरिया तो वत मेरे जहन च लालच आया, मैं वत वापस आया। मैं दरवेश नूं आख्या, मैं इंज कर भी 5 ओठ मैनू होर दे। उस 5 ओठ होर दे दिते, मैं टुरिया वत वापस आया। मैं दरवेश नूं आख्या, मैं कह तू फकीर है, अल्लाह वाला बंदा है, तैनू खजाने की कीड़ी लोड़ है, ये जेडे 5 ओठ हैं ये भी मैनू दे।
दरवेश ने वो पांच उठ भी मैनू दे दिते। मैं जिसले टुरन लगा तो मैं ख्याल आया भी दरवेश दे कोल एक चांदी की डब्बी है, वह भी बड़ी कीमती होनी, वह भी लै लवा। मैं दरवेश फकीर नूं आख्या, मैं तेरे कोल एक चांदी की डब्बी है, वह भी मैनू दे चा। फकीर आख्या, वह मैं तैनूं नहीं दे सकदा। मैं आख्या, जरूर है कोई कीमती चीज़ होनी जिहड़ी नहीं पिया देंदा। मैं आख्या, दे नहीं तो मैं तैनूं कतल करे ना। उस आख्या, अच्छा ये लै ला। जा मैं डब्बी खोली वेख्या तो बेच सुरमा। मैं क्या सुरमे का के काम है? उस आख्या भी इसकी सलाई सज्जी आखे च ला लो तो तुहानू जितने खजाने जमीन दे विच छुपे हो नज़र आने शुरू हो गए। मैं बड़ा खुश होया। मैं दरवेश नूं आख्या, जल्दी कर एक सलाई मेरी सज्जी आखे च ला। उस सज्जी आखे सलाई लाई, मैनू छुपे हुए खजाने नज़र आवन लग गए। मैं बड़ा खुश होया। मैं आख्या, एक सलाई मेरी खब्बी आखे च ला। उस आख्या, खब्बी आखे च ना लावे पछतासे। मैं आख्या, नहीं नहीं ला, नहीं तो मैं तैनू कतल करे ना। उस खब्बी आखे च सलाई पाई तो मैं अन्ना हो गया। अनेरा ही अनेरा मैनू कुछ नज़र ना आवे। फकीर आख्या ने उस दरवेश आख्या, मैं तैनू रुकेंदा रही हूँ, तू लालच आ गई हूँ, तू अन्ना हो गई। मैं बड़ी हाल दुहाई पाई, बड़ा रोला पाया, रुन्ना। मैं उदियाँ बड़ियाँ मिन्नतां कीतियां भी सारे उठ भी लै ला, हर शै लै ला, मेरी अखी वापस कर चा। दरवेश आख्या, हुण टाइम गुजर गया, उत्थे मैं हो गया अन्ना। बा उत्थों रेड़ रूड़ के मैं पहाड़ी तो तले आया, एक काफला आंदा पिया, मैं उस काफले च रल के इत्थे आ गया। इत्थे आ के मैं भीख मंगनी शुरू कर दिती। तो हुण जिहड़ा मैनू कोई चीज़ देंदा है, मैं उसनू आना मेरे मुँह ते एक थप्पड़ मार, ताकि मैनू उस लालच की सज़ा मिले। बादशाह आख्या, वाकई तेरी दास्तान बड़ी अजीब है। वारी आ गई घोड़ी आले दी। घोड़ी आले नूं बादशाह आख्या, हाँ भाई सुना, क्यों घोड़ी नूं बन के इतना मरेंदा पियां? उस सिर तले कर लिया। बादशाह आख्या, कोई माकूल वजह दस, तू घोड़ी नूं क्यों मरेंदा पियां, नहीं तो मैं तेरा सिर लहा सटा। उस आख्या, बादशाह सलामत, मेरी कहानी भी बड़ी अजीब है। बादशाह आख्या, सुना। उस आख्या, मेरी हुई शादी ते बीवी मेरी पहली रात इंज थोड़ा जिहा खाना खादा एक के दो लुकमे। मैं समझा भी नवी नवी गल है, भुख ना हो सी। दुए दिन महीना गुजर गया, वो तब खाना बिल्कुल थोड़ा खावे, एक गिरा या दो। मैं बड़ा हैरान भी जिंदा किवें खावण तो बगैर। मैं उसकी हरकत ते गौर करनी शुरू कर दी। एक रात मैं डिठा, अद्धी रात का टाइम है, वह उठी, उस अपना लिबास तब्दील किया तो बाहर निकल गई। मैं भी उसके पिछे पिछे टुरना शुरू कर दिता। वह टुरद्या 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 एक कब्रिस्तान पहुँच गई। मैं भी एक दरख्त दे उले छुप के ये सारा मंजर वेदा पिया। चाननी रात आई, कब्रिस्तान दे विच मैं के वेख्या कि दो कबरां दे दरमियान एक खौफनाक शक्ल वाला बंदा बैठा है। मेरी बीवी उहदे कोल बांझ के बह गई और उन्हें आपस में गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। मैनू बहुत गुस्सा आया। उन्ना जनाब गल्लां करेंदे करेंदे उठे, एक ताज़ा कबर बनी हुई आई, उन्ना उस कबर नू पटना शुरू कर दिता। उस दे विचू एक मुर्दा कढ़िया और उसनू खावना शुरू कर दिता। उन्ना इंज खावना शुरू कर दिता। मैं खौफजदा हो गया, कंबण लग गया। मैं फौरन उत्थों दौड़िया और घर आके अपने बिस्तरे छैं गया। थोड़ी देर तो बाद आई है, मैं जागदा पियाम, लेकिन सवण का बहाना किया। वो आई आके सैं गई। सुबह हुई तो हसबे मामूल सिर्फ एक के दो गिरां लए। मैं आख्या, खा ला उस मुर्दे नालू तो चंगे न। जिसले उस वेख्या भी मेरा राज आउट हो गया, उस गिलास के उत्ते कोई चीज़ पड़ के फूक मारी और पानी का छट्टा मेरे मुँह ते मारिया। मैं कुत्ता बन गया। उस पहले मैनू काफ़ी मारिया, उस तो बाद मैनू कट दिता। मैं बाहर निकलिया, शहर के कुत्ते मेरे पिछे लग गए। मैं जान बचाने वास्ते भजदा भजदा कसाई के फटे तले वड़ गया। कसाई ने मेरे उत्ते तरस आया, उस गोश्त का एक टुकड़ा मेरे वाल सटिया, मैं नहीं खादा। मैं उत्थों निकलिया और एक होटल के अगे जाके खलो गया। होटल के मालक मैनू एक रोटी सटी, मैं वो रोटी खाधी। होटल का मालक मेरे उत्ते बड़ा मेहरबान हो गया, उस रोज़ाना मैनू रोटी पावना शुरू कर दी। मैं उत्थ ही रहना शुरू कर दिता। एक दिन एक औरत आई, उस आके रोटियां लईयां, सालन खरीद किया और कुछ पैसे दे के जावन लगी। मैं झपटा मारिया, पैसे तले सट दिते और उहदे विचों एक खोटा सिक्का चाह के होटल मालक दे हाथ ते रख दिता। उस माई नूं आख्या भी एक सिक्का तेरा खोटा है, मेरे कुत्ते इस दी पहचान कीती है। मालक बड़ा खुश होया भी कुत्ता तो मेरा बड़ा सियाणा है, इहनूं खोटे ते खरे सिक्के दी सियाण। मशहूरी होंदिया होंदिया पूरे शहर च मेरी शोहरत हो गई। बेक कुत्ता है, वह खोटे ते खरे दी पहचान करेंदा। एक दिन एक औरत आई है उस होटल ते, उस आके सालन ते रोटियां लईयां और मैनू इशारा किया भी मेरे पीछे आ। मैं उस औरत दे पीछे पीछे टुरना शुरू कर दिता। वो औरत अपने घर गई, मैं उसके घर दाखिल हो गया। उस औरत ने गिलास पानी का चाया, कोई चीज़ पाड़ के उत्ते फूका मारिया तो मेरे मुँह ते छंडा मारिया। मैं अपनी असली हालत च आ गया। उस आख्या, दस तेरे नाले काम कैं किया? मैं उसनू अपनी सारी कहानी सुनाई। उसनू बहुत गुस्सा आया, उस पानी पाड़ के मैंने दिता। उस आख्या, जा अपने घर, दरवाज़ा खड़का। मैं
जिस वेले तेरी बीवी आवे ओदे मुँह ते छट्टा मारे। जेड़ा जानवर आखसे वो जानवर बन वई सी। मैं खुश होया, मैं उसको लो पानी लिया ते अपने घर आया, दरवाज़ा खड़काया, मेरी बीवी बाहर निकली। इस तू पहले कि वो मैनू कोई गल करें दी, मैं जल्दी जल्दी छट्टा पानी दा ओदे मुँह ते मारिया ते आख्या घोड़ी बन जा। वो घोड़ी बन गई। उस दिन तो लैके मैं उसनू बन के रोज़ाना सजा देना। ये बादशाह सलामत मेरी कहानी। बादशाह आख्या वाकई तेरी दास्तान बड़ी अजीब है। हाँ भाई हुण ताजर तू सुना, तू ये महल किवें बनाया ते तू तो गरीब आऊँ तो इतनी जल्दी अमीर किवें हो गए। ताजर आख्या बादशाह सलामत मैं एक गरीब मजदूर आदमी हाँ। इस शहर दे विच दो दोस्तां दी आपस विच बहस हो गई। एक आख्या तकदीर अफजल है, एक आख्या तदबीर अफजल है। एक आख्या तदबीर नाल हालात बदल वेंदे, दूजा आख्या नहीं तकदीर नाल हालात बदल दे। उन्हां दी आपस में बहस वधी। उन्हां आख्या एक बंदा तलाश करेने आ जिहड़ा गरीब होवे और मेहनती होवे, उसनू जाके देने आ पैसे, करेने आ तदबीर, वेने आ उहदे हालात बदल दे कि नहीं। अगर उसके हालात बदल गए तो वत तदबीर नाल सारे काम हो जाते, अगर उसके हालात ना बदले वत तकदीर नाल। बस दोवें टुर पए। तलाश करेंद्या करेंद्या उन्हां नू मैं नज़र आया। उन्हां ओह मेरे कोल आ गए। उन्हां आख्या गल सुन, ऐ 200 अशरफी, ये असा तैनू कर्ज़ नहीं देंदे पए, ये असा तैनू अल्लाह दी राह ते देंदे पए, इसका कोई कारोबार कर। मैं वह 200 अशरफी लई बड़ा खुश होया। मैं वह 200 अशरफी अपने कपड़े च बन के ते सिर ते पग बन लई। मैं शहर आले पासे वेंदा पिया भी कोई समान लैके आवां ते काम शुरू करा। एक गिरज आईए उस झपटा मारिया और मेरे सिर तू पग लैंदी ते वग गई। मैं बड़ा बन्ना और रुना, कुछ भी नहीं बनया। वह लैके वग गई। मैं बड़ा परेशान होया, घर आया, हालात मेरे अगे तो ज़्यादा ख़राब। काफ़ी दिन गुजर गए, वो दो दोस्त वत आए, वेख्या तो मेरे हालात अगे तो ज़्यादा ख़राब। वो बड़े हैरान होए। उन्हें आख्या भी तैनू असी 200 अशरफी दी आई, तू कारोबार शुरू नहीं किया। मैं उन्होंने सारी कहानी सुनाई जिमें जिमें अशरफियाँ गिरज लै गई। वो दोस्त आख्या गल सुन, मैं तैनू आख्या ना ही तकदीर अफजल है। उस आख्या नहीं नहीं बाई चांस हो गया, ये 200 अशरफियाँ हो रहे, तू इन्हों का कारोबार कर। मैं वह अशरफियाँ कपड़े के बन के एक भों वाला गट्टू आई वेद रख दी। मैं काम तो वाग गया, एक फेरी वाला आया, मेरी बीवी पूछा भी भों लेना, उस आख्या लै लेना, उस गट्टू वेच दिता। मैं शामी घर आया, मैं आके पूछा भी तो गट्टू पियाई, उस आख्या मैं तो फेरी वाले वेच दिता। मैं बड़ा रुना और बीवी ने आख्या उस अशरफियाँ, वह भी बड़ी परेशान हुई। बस हालात मेरे अगे तो ज़्यादा ख़राब। काफ़ी दिन तो बाद आए आके वेखण तो मेरे हालात अगे तो ज़्यादा ख़राब। उन्हें आख्या यार तेनों 200 अशरफी वध दी आई, वह कि दे। मैं उन्होंने गल सुनाई, मैं कहीं गट्टू रखे समाणी मेरी फेरी आ लेंदे। उस वे उस आख्या हूँ दस तकदीर अफजल के तदबीर, सारे काम तकदीर नाल आते, तदबीर कुछ नहीं करें दियाँ। यह एक अशरफी मैं देंदा पिया, ये लै ला, अल्लाह पाक तेन इस रंग लई। मैं अशरफी लै ली, मैं वह लिया के घर रख दी। मैं आख्या जिथे 200 अशरफियाँ कुछ नहीं किया, एक अशरफी के करना। मैं काम तो वाग गया तो मेरे गवाड़ एक औरत आई, वो साढ़े घर आई और मेरी बीवी ने आख इस गल मेरे घर आले देंदा मछियाँ और बेचेंदा बाजार, उसका जोड़ा जाल है ना वो फट गया। एक अशरफी चाहिए वह जाल बनाने वास्ते, मैनू कह नहीं दी, मैनू वह एक अशरफी चाहिए, अगर तेरे को है तो दे चा। मेरी बीवी उठी, वह अशरफी पई आई, उस चाह के दे दी। वो अशरफी लैके घर गई, उस अपने घर वाले नूं अशरफी दिती, उस अशरफी दा उस जाल बनवाया, जाके उस जाल सटिया, मच्छियां फदियां। जिहड़ी पहली पहली मच्छी आई आई वह लैके मेरे घर आ गए और मेरी बीवी नूं आखिया ये पहली पहली मच्छी है, ये मैं तैनूं देंदी पई हां। मेरी बीवी ने वह मच्छी लई, जिसले उसका पेट चाक किया ना उहदे विचों शीशे का एक टुकड़ा निकलिया। मेरी बीवी उसनूं वेधी पई आई कि साढ़े गवाड़ एक सुनारन आई, वह साढ़े घर आ गई। उस डिठा उस आख्या तो बड़ा कीमती हीरा वेचना, मेरी बीवी आख्या मेरे घर वाले नूं आवण दी। शाम नूं मैं घर आया तो मेरी बीवी मैं दस्या भी ये तो बड़ा कीमती हीरा है, तो इंज मच्छी चू निकलिया। बस वह सुनारा भी आ गया, उसकी बीवी भी आ गई। सुनारे आख्या भी अगर ये हीरा तू मैनूं वेचना चाहना तो मैं तैनूं 1,00,000 अशरफी देना। मैं आख्या दे 1,00,000 अशरफी। मैं वह 1,00,000 अशरफी लै ली, तो वह हीरा उसनू दे दिता। मैं कारोबार शुरू किया, मैं बहुत बड़ा ताजर बन गया। दिन गुजरते गए, फिर वो दो दोस्त आ गए। उन्हें वेख्या आलीशान महल, उन्हें बंदे को पूछया, उन्हें आख्या वो गरीब है, अजकल बहुत बड़ा ताजर बने हुए। वो मेरे को आए, मैं बड़ा खुश होया। मैं उन्हें अस तस की, उन्होंने खाना खवाया और उन्होंने सारी कहानी सुनाई। वो दूआ दोस्त मन गया, वाकई ये तकदीर के फैसले होते हैं, तदबीर इतने कुछ नहीं करें। बादशाह सलामत मेरी ये दास्तान है। बादशाह क्या तेरी दास्तान भी बड़ी अजीब है, मैंने पसंद आई। उम्मीद है तुहानू मेरी ये कहानी पसंद आई होसी। अगर पसंद आई होवे तेनू लाइक करना और मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।